Namaste students, welcome back to Unacademy JEE channel and we are continuing electrostatics. This is the 7th lecture in the series. Aap bachcho ko sare electrostatics ke concepts dheere dheere malum ho gaye hain with our quizzes and the homework questions that we are giving out. Are you guys comfortable with the topics, with the orientation, with how we are presenting the concepts? So just keep texting to us on the group, on the Telegram group. काफ़ी बच्चे अभी तक नहीं आए हैं तो आ जाओ बच्चों, उस पर बहुत बड़ा बैच अपना बन रहा है धीरे धीरे. दैट्स अ गुड न्यूज़. एंड डू कीप शेयरिंग दीज वीडियोज़, लाइक करो, उनको शेयर भी करो, अपने फ्रेंड्स को बताओ, सो दैट इफ़ देर इज़ एनी कॉमन क्वेश्चन बच्चों, जो आपका भी डाउट है, आपके फ्रेंड का भी डाउट है, तो यू कैन सिट टुगेदर एंड डिस्कस इट. सो दैट विल बी द गुड थिंग. जैसे आप एक बैच में होते हो, कॉमन बैच में, और एक कॉमन होमवर्क डिस्कस करते हो, वैसा ही एक सिचुएशन बन सकता है. सो जस्ट स्प्रेड द वर्ड, स्प्रेड द लिंक. यूट्यूब लिंक आपको दिख रहा है, उसको आप शेयर करो एज सून एज पॉसिबल. जस्ट बिफोर वी बिगेन द लेक्चर, लेट मी ऑल्सो टेल यू अबाउट द ऑसम टीम ऑफ दीज फोर टॉप एजुकेटर्स ऑफ एन अकेडमी विच यू नो बाय नाउ हु आर दे एंड you know about us, all of us. I am Jayant Nagda. If this is your first lecture, let's not worry. I'll take things slowly. Dipole ke concepts aaj discuss karenge bachcho. Bahut sari queries aa rahi hai humko. Bahut sara bachcho ko pyar bhi aa raha hai. We are so overwhelmed. This is a very good response. Bachcho, kuch queries hai jinko hum address kar rahe hain, jaise ki plus platform kya hai. तो बच्चों YouTube प्लेटफॉर्म की कुछ लिमिटेशंस होती है. YouTube वॉज क्रिएटेड फॉर सम अदर पर्पज़, बट अनअकैडमी का प्लस प्लेटफॉर्म, यू कैन विजिट द लिंक, विल बी बेसिकली ओनली एजुकेशन रिलेटेड प्लेटफॉर्म. इस पे आपके टेस्ट, क्विजेस, डाउट सेशंस थोड़े पर्सनलाइज्ड मैनर में होते हैं. आप वहाँ पे अगर आएंगे टॉप एजुकेटर्स के, आप जब सेशंस अटेंड करेंगे, आप देख पाएंगे कि किस तरह से क्विजेज में, जैसे हम पोल कंडक्ट करते हैं, तो उन पोल्स में ए बी सी डी आंसर करना और इजी हो जाता है, और आप डाउट्स भी बहुत अच्छे से डिस्कस कर सकते हैं. सो देर आर डेफिनेटली सम रेस्ट्रिक्शंस ऑफ दिस यूट्यूब प्लेटफॉर्म. अभी भी बच्चों से इंटरेक्ट तो कर पा रहे हैं, बट कुछ तो रेस्ट्रिक्शंस है ही हैं, तो उन सब को वो हटा देता है. तो दिस इज़ वॉट द अनअकैडमी प्लस platform is, and if you go to this link, there are many courses that we offer. Okay, Unacademy पे बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं already, है ना, UPSC और बहुत सारे exams के लिए already famous है, but IIT JEE के लिए भी यहाँ पे 30+ top educators of the country हैं. Kota के top faculties भी वहाँ पे है बच्चों, आप visit करके देख सकते हैं, अलग अलग plans हैं, but I would recommend you go for the 12-month plan because that will just cost you somewhere around 2000 per month. 2000 per month में आप subscribers के लिए हमारे पास एक और good news है. If you use this JEE Live code, then you will end up with somewhere around 1800 per month बच्चे आएगा. ठीक है, 60-70 रुपये एक दिन का बनता है. वो तो कई बच्चे commute में ही, ऑटो रिक्शा में या जैसे भी आप vehicle से जाते हैं अपने institutes में, schools में, उसमें ही खर्च हो जाता है. तो बच्चों कुछ तो platform के भी running costs होते हैं, operational costs होते हैं, तो इसके लिए हमने, लेकिन दीज आर द मिनिमम प्राइसेस यू विल सी एनीवेयर. ओके, इससे कम हम रख नहीं पाए, हमको भी थोड़ा लाइट का बिल सब कुछ देना पड़ता है बच्चों, समझ आ रहा है. तो एनीवेज, एंड फॉर दोज ऑफ यू हु आर अपीयरिंग फॉर एडवांस 2019, अभी एक महीने का बच्चों टाइम बचा है, एग्जैक्टली वन मंथ टुडे यू हैव विथ यू. इफ़ यू आर अपीयरिंग फॉर एडवांस 2019, सम ऑफ द स्टूडेंट्स आर आस्किंग लाइक सचिन, मेनी स्टूडेंट्स आर आस्किंग अस ऑन टेलीग्राम एज वेल. बच्चों आपके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है, बिकॉज ऑन 2 मे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ क्रैश कोर्स ऑन JEE अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म, वेयर यू विल बी रिसीविंग द लेक्चर्स, द सेशंस. तो उसके जो भी इंफॉर्मेशन है आप वहाँ पे प्लस प्लेटफॉर्म पे जाके देख सकते हो. 12th अपीयरिंग स्टूडेंट जो 12th में हैं अभी बच्चे, वो भी देख सकते हैं उसको. 11th वाले बच्चों के लिए थोड़ा सा वो जल्दी हो जाएगा, बिकॉज इन दोज नंबर ऑफ डेज. तो हम जो बता रहे हैं वो वहाँ पे एकदम जो आपको एडवांस ओरिएंटेड जो कॉन्सेप्ट्स और ट्रिक्स हैं वो बताएंगे बच्चों, मिनिमल टाइम में मैक्सिमम आउटपुट आपको देंगे, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हो. एंड दिस इज़ इनफ अबाउट द प्लस प्लेटफॉर्म. हम यूट्यूब पे तो है ही, आप सबको पढ़ा ही रहे इतने टाइम से और पढ़ाते रहेंगे बच्चों. सो इफ़ यू रिमेंबर यस्टरडे वी लेफ्ट एट इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ अ डाइपोल, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन हमने डिराइव किया था एक एक्सियल पॉइंट के लिए, है ना, डाइपोल की एक्सिस पे अपन ने डिराइव किया था. तो एक्सियल पॉइंट के लिए
एंड पोजीशन भी बोलते हैं, क्या एक्सप्रेशन डिराइव किया था बच्चों, दैट वाज ई एक्सिस, इसको याद रखो. सो इफ़ यू हैव डिराइव्ड इट बाय योरसेल्फ, ये आप भूल ही नहीं पाओगे. 2k पी वेक्टर की डायरेक्शन में आता था, याद करो, इस वाले पॉइंट पे इसी डायरेक्शन में आता था. एंड पी की डायरेक्शन क्या थी, नेगेटिव से पॉजिटिव, याद आ रहा है सब कुछ, सब याद है आपको. और इक्विटोरियल लाइन के लिए क्या एक्सप्रेशन है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे क्या एक्सप्रेशन था. सो इस केस में द डायरेक्शन ऑफ फील्ड वॉज लाइक दिस, है ना, पी वेक्टर के ऑपोजिट था. तो इस तरह के कॉन्सेप्ट्स हमने कल डिस्कस किए थे, उसी चीज़ को कंटिन्यू करते हैं. बट कैन यू गाइस आंसर दीज सिंपल क्वेश्चंस लाइक दिस वन, जल्दी से इसको आंसर कर लो बच्चों, है ना. एकदम आपको जो अभी जस्ट बताया उसी पे एक क्वेश्चन अगर मैं जल्दी से पूछ लूँ तो क्या आप आंसर कर दोगे. द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन द एक्सिस एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, क्या रेशियो आ रहा है, राइट? यस, इट्स चीप, यू एग्री, राइट? बट वही बात है कि देखो, हमको ऐसा भी नहीं रखना है कि वी आर चार्जिंग. सो वी आर ऑलरेडी ऑन द यूट्यूब प्लेटफॉर्म, यहाँ पे हम जितने स्टूडेंट्स की हेल्प कर सकते हैं करेंगे, बट हमेशा स्टूडेंट्स पूछते रहते हैं. दैट इज़ बाय द प्लेटफॉर्म अनअकैडमी प्लेटफॉर्म, इट्स अ वेरी पॉपुलर प्लेटफॉर्म, प्लस के वहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज चलते हैं, तो आप उसको देख सकते हैं बच्चों, है ना. एंड सो हाँ, आंसर्स आ गए क्या? PDF बच्चे लेक्चर के बाद आएगी, PDF अभी से कैसे आएगी. बट हाँ यार, बी आंसर आ रहा है ना, ये तो ओरल है, मतलब अभी देखा फॉर्मूला, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर. डू आई नीड टू राइट एक्सप्लेन? नो. एंड आंसर दिस वन स्टूडेंट्स, थोड़ा सा डाइपोल के कैसे क्वेश्चंस आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, ध्यान दो डाइपोल के भी किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं कंपटीशन में. तो ये एक थोड़ा सिंप्लीफाइड वर्जन है, इसी टाइप के कुछ यू नो बनते हैं, इसी पे बिल्डअप का हो सकता है आप देखोगे. तो अगर ये सिचुएशन है, कैन यू आंसर फास्ट, थ्री चार्जेस ऑफ, सो द थ्री चार्जेस आर गिवन, डायग्राम इज गिवन, एंड कैन यू फाइंड द डाइपोल मोमेंट ऑफ द कॉम्बिनेशन. सो डाइपोल मोमेंट ही पूछ लिया आपको, लेकिन तीन चार्जेस है, दो के बजाय तीन है, तो इसको कैसे करेंगे, है ना. ये इसमें अब कंपटीशन में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, है ना, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं आएंगे. आपको ई का फॉर्मूला लगाना, बच्चे इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते हैं आजकल. क्या है, थोड़े से तो ट्रिकी क्वेश्चंस आएंगे. तो इफ़ यू हैव डन इनफ प्रैक्टिस, हम कर ही रहे हैं लेक्चर्स में भी क्वेश्चन ले ही रहे हैं, तो आप अगर प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको समझ आ जाएगा कंपटीशन में किस तरह के कॉन्सेप्ट्स पूछे जाते हैं. तो आपको ऐसा नहीं कि उस फॉर्मूले में, है ना, 2k p by r के उसमें वैल्यू रख दोगे और आंसर आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है. इतना सिंपल भी क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड. यू मस्ट बी नोइंग, आप लोग तो 12th में आ गए हैं, 2019 जो मेंस बच्चे क्लियर कर गए हैं, एडवांस के लिए अपीयर हो रहे हैं एक महीने में, वो स्टूडेंट्स भी इन लेक्चर्स को देख रहे हैं. सो देखो, वी हैव अ वेरी गुड रीच बाय नाउ, एंड यू नो फ्रॉम द ग्रेस ऑफ गॉड वी आर ब्रेकिंग द बैरियर्स एवरी डे. तो आप लोग थोड़ा इनको और शेयर करिए वीडियोज़ को, अपने सभी फ्रेंड्स को, जूनियर्स को, सीनियर्स को बता सकते हैं. तो इसका आंसर बच्चों आ रहा है क्या? Many of you have already answered, Sweta and Rahul, okay? Different answers, but Amal and Saif. So, some of you are right, but not all of you. So, I will tell you the concept here, absolutely. Here, see, kids. You can see it easily, with love, understand this concept. आपके इन माइनस क्यू और यहाँ पे अज्यूम कर लो एक प्लस क्यू है. सो प्लस क्यू एंड दिस माइनस क्यू, दे ऑफकोर्स मेकअप अ डाइपोल. द डायरेक्शन ऑफ दैट डाइपोल मोमेंट इज लाइक दिस, है ना, ये वाली साइड. और ये वाली साइड को भी आप ब्रेक डाउन कर सकते हो माइनस क्यू अनदर प्लस क्यू. सो दीज टू प्लस क्यू चार्जेस विल बेसिकली बी एट द सेम पॉइंट पे हैं, पर उनको थोड़ा सा अपन ने अलग अलग दो पॉइंट चार्जेस की तरह बता दिया है. ये दोनों डाइपोल मोमेंट को अपन पी बोल देते हैं, वेर पी इज ऑफकोर्स इक्वल टू मैग्नीट्यूड, कितना है, क्यू इंटू ए. क्यू इंटू टू ए मत लिख देना, क्योंकि वो अपन ने कल डिस्कस किया था. यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, ए, तो क्यू इंटू ए होगा, है ना. हमेशा होश में रहना पड़ता है जब आप क्वेश्चन करते हो. इवन आई ड्रिफ्ट अवे समटाइम्स के, बट आपको ये आदत में लाना है. अभी एक साल जिन लोग के लिए बचा है, 2020 का जिनका टारगेट है, आपका एक साल बचा है, आराम से आप इसको कवर अप कर सकते हो. देखो बच्चों, तो इन दोनों डाइपोल्स का वेक्टर सम लेना पड़ेगा आपको. आपको ऑफकोर्स इन दोनों का वेक्टर सम, नाउ बिकॉज देयर इज सिमेट्री, द वेक्टर सम इज़ वेरी इजी टू कैलकुलेट. व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन दीज टू, इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल क्या है, 60 डिग्री मालूम है, है ना. तो ये एंगल 30 डिग्री हुआ, तो इन दोनों का जल्दी से आप लिख सकते हो ना, जैसे P
पी नेट नेट डाइपोल मोमेंट पूछा है, तो 2p cos 60 सॉरी cos 30 डिग्री है ना, और 2p cos 30 मतलब कितना हो गया, रूट 3 टाइम्स पी, यानी कि क्या हो गया, पी तो क्या था, सो रूट 3 टाइम्स क्यू ए, दैट इज़ योर आंसर. मेनी हैव गॉटन इट. बच्चों बी और डी नहीं है जो आप लोग आंसर कर रहे हैं. द्वारिका यू आर राइट एंड अर्चित वेरी गुड, पूजा यू आर राइट, ऑल ऑफ यू हैव गॉटन द राइट आंसर्स. एंड देखो थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था इसलिए सबका सेम आंसर नहीं आया, तो पिछला वाला ऑफकोर्स फार्मूला बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन था. इस तरह के बहुत रेयर क्वेश्चन होते हैं. आसान क्वेश्चन बच्चों आपको कंपटीशन में नहीं आएंगे, बिकॉज द कंपटीशन इज देयर टू कट ऑफ मेनी पीपल, है ना. आपको IIT में पहुंचने के लिए, आपको NITs में पहुंचने के लिए, आपको बिट्स में पहुंचने के लिए बहुत बच्चों को पीछे छोड़ना पड़ता है, तो क्वेश्चंस ऑफ कोर्स थोड़े ट्रिकी रखते हैं वो लोग, सो दैट नॉट एवरीबडी इज़ एबल टू आंसर. अगर सभी आंसर कर देंगे तो सबके 100% मार्क्स आ जाएंगे, बट दैट विल नॉट वर्क बिकॉज दे कांट पुट एवरी स्टूडेंट इन दी IITs. वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज. हमारा देश प्रगति की राह पर है बट we are not there as of now because we don't have too many IITs. Hopefully we'll have someday so many institutes that we don't have to worry about the competition that much, but abhi ki generation ko thoda struggle karna pad raha hai. So yahan dekho bachcho C answer aa gaya hai. That's a good enough explanation. I think aapko samajh mein aa gaya hoga. Write a yo in the chat if you have understood it. Okay, to ye concept hai, is pe wapas bhi aunga main aur questions leke, but let's quickly come to द पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल. कल मैंने आपको ये पूछा भी था, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड जब पता है तो पोटेंशियल भी निकाल सकते हो. इनफैक्ट पोटेंशियल निकालना और ज़्यादा आसान है, क्योंकि पोटेंशियल में आपको यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द डायरेक्शन, आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड ही करना पड़ता है. तो देखो बच्चों, इस डायपोल का चार्ज सपोज क्यू एंड माइनस क्यू है, देन बिकॉज ऑफ दीज टू वॉट इज़ द पोटेंशियल एट पी पॉइंट. पोटेंशियल एट पी निकालना है, देन कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉजिटिव चार्ज एट पी पॉइंट क्या होगा. देखो बच्चों ध्यान दो, क्यू का यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आप कैसे निकाल सकते हैं. सपोज इफ आई ड्रॉप अ परपेंडिकुलर फ्रॉम प्लस क्यू ऑन टू दिस लाइन, वॉट इज दिस लाइन, दिस इज द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द डायपोल. डायपोल के सेंटर से ये ज्वाइन हो रहा है पी पॉइंट तक. ओके, तो पी पॉइंट और सेंटर के बीच में आर डिस्टेंस है, तो ये वाला मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है. और देखो बच्चों ये ए है ना, ध्यान दे रहे हो, ध्यान दे दो मिनट. ए ये है और ये वाला गैप कितना होगा, तो दिस गैप इज डेफिनेटली ए कॉस थीटा. ए का कॉस थीटा कंपोनेंट है ये. ओके, तो ये वाला रिमेनिंग गैप क्या हो गया, दिस इज आर माइनस ए कॉस थीटा. सो नाउ इफ द पॉइंट पी इज सो फार अवे, कल भी हम ये कंडीशन रख रहे थे, पॉइंट पी इज वेरी फार, मतलब R is much much greater than A. ये कंडीशन रख के ही हम डाइपोल के एक्सप्रेशंस डिराइव करते हैं. डाइपोल के एक्सप्रेशंस तभी यूज़ करना बच्चों when you have this condition that the point is far away as compared to the distance between the charges. R much much greater than A. कंडीशन अपन ले के अज्यूम करके ही चलते हैं हमेशा. तो देख लो, ये अगर डिस्टेंस R माइनस A cos थीटा बचा है ना, तो ये वाला डिस्टेंस भी करीब करीब मैं बोल सकता हूँ दिस इज ऑल्सो आर माइनस ए कॉस थीटा, बिकॉज दीज टू लाइन्स विल ऑलमोस्ट बी पैरेलल, है ना, दे आर ऑलमोस्ट पैरेलल. अभी इस डायग्राम में ऐसा लग रहा है बट पी बहुत दूर होता तो ए पैरेलल ही होती ऑलमोस्ट, तो ये दोनों डिस्टेंस ऑलमोस्ट सेम हो गए. तो वी प्लस का कॉन्ट्रीब्यूशन पी पॉइंट पे यहाँ देखो के क्यू डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, ये आर माइनस ए कॉस थीटा. ये सही लिखा है क्या, चेक करते रहे ना, कई बार मैं खुद ही मिस्टेक कर देता हूँ ये देखने के लिए कि बच्चा सो तो नहीं रहा है, ठीक है. और वी माइनस का कंट्रीब्यूशन सिमिलरली क्या आ जाएगा, माइनस मतलब नेगेटिव का पोटेंशियल का कंट्रीब्यूशन, तो देखो उसको भी वैसे आप कर सकते हो. यहाँ पे इफ़ यू ड्रॉप अ परपेंडिकुलर अगेन, देन दिस इज अगेन अ परपेंडिकुलर, देन ये ए है और ये थीटा है, तो ये भी ऑलमोस्ट थीटा ही है, क्योंकि ये तीनों लाइन्स बहुत फार वाला पॉइंट है तो वो पैरेलल ही है. ये बात डाइजेस्ट हो रही है आपको, तो ये थीटा भी है और ये अगेन क्या है, बोलो, बोलोगे तो सुनाई नहीं देगा, बट इट्स फाइन इफ़ यू स्पीक आउट. और आपके पेरेंट्स सोचेंगे इसको पता नहीं क्या हो गया, ये किससे बात कर रहा है, बट दैट्स फाइन, यू आर जस्ट लर्निंग और पढ़ाई भी आप जेई लेवल की कर रहे हो. तो देखो बच्चों, आर प्लस ए कॉस थीटा हो जाएगा,
डिस्टेंस ऑफ माइनस क्यू क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा प्लस आर। तो ये कंसेप्ट आपको समझ में आ रहा है, आप इसको क्या लिखोगे बोलो, के क्यू डिवाइडेड बाय आर प्लस ए कॉस थीटा। यहाँ तक सब क्लियर है, ये ठीक लिखा है, देख लो, नेगेटिव साइन लगाएंगे, राइट, वेरी गुड। सो नेगेटिव साइन एंड पॉजिटिव साइन, ये बात का भी ध्यान रखें। टोटल पोटेंशियल क्या हो गया, वी नेट क्या हो जाएगा, तो आप जल्दी से लिख दोगे इसको, मैंने जो भी कॉमन लेना था के क्यू, ध्यान दे दो, कॉमन ले लिया, दिस प्लस दिस है ना, न्यूमरेटर में आपका वन बाय आर माइनस ए कॉस थीटा डिनोमिनेटर में आ रहा है, एंड माइनस वन बाय आर प्लस ए कॉस थीटा आ रहा है। पर मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको जल्दी से एलसीएम भी ले लो और न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, सो के इंटू क्यू इंटू वॉट है ना, तो आर तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस आर इधर से प्लस आर कैंसिल हो जाएगा, और टू ए एंड कॉस थीटा बच जाएगा, डिवाइडेड बाय वॉट, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। सब समझ आ रहा है, वी पोटेंशियल का एक्सप्रेशन निकाल रहे हैं, सिंपल सा है, ये तो जल्दी से हो भी गया। देखो यहाँ पे इन दोनों को साथ में मिला के क्या बोल देंगे, ये दोनों है ना साथ साथ रहते, प्यार से रहते, क्यू इंटू टू ए क्या होता है बच्चों, है ना, पी को लिख दोगे और कॉस थीटा एज इट इज रहने दो, बट डिनोमिनेटर में ये कंडीशन लगा के आप क्या लिख सकते हो, सो कैन आई राइट समवेयर ऑन दिस साइड इफ़ यू डोंट माइंड दैट दिस एंटायर थिंग अलॉन्ग विद दिस कंडीशन, अलॉन्ग विद दिस कंडीशन एक्चुअली बिकम्स वी इक्वल टू के पी कॉस थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वेयर। तो देखो बच्चों, के पी डिवाइडेड बाय आर स्क्वेयर के, ये इन आर स्क्वेयर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ये भी कंसेप्ट ध्यान में रखो, यहाँ पे डायमेंशनली करेक्ट होना चाहिए फॉर्मूला। तो के क्यू बाय आर आपको याद है पोटेंशियल के फॉर्मूले है ना, किसकी वजह से होते थे, पॉइंट चार्ज और सॉलिड स्फीयर वगैरह एक्सटर्नल पॉइंट पे, बट वो सेम चीज़ यहाँ पे मिस्टेक मत कर देना, दिस इज़ के इन टू पी, पी ऑलरेडी हैज़ डायमेंशन ऑफ लेंथ, तो उसको डायमेंशनली करेक्ट बनाने के लिए यहाँ पे आर स्क्वायर आना पड़ेगा। उसी तरह से पोटेंशियल का ये है, तो फील्ड का क्या था, डिनोमिनेटर में आर क्यूब था, वहाँ पे आर स्क्वायर मत लिख देना, इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना एंड कीप राइटिंग। यस, अरे सब बच्चे ध्यान से सुन रहे इसलिए चैट पे गायब हो गए हैं, ओके। सो अगर पोटेंशियल आपको फॉर्मूला समझ में आ रहा है, तो देखो कैसे थीटा पे डिपेंड कर रहा है ये, है ना, कुछ बातें मैं यहीं पे बता देता हूँ जल्दी से। अगर आपका पोटेंशियल ज़ीरो होना है, अगर आपका पोटेंशियल ज़ीरो होना है तो थीटा की वैल्यू क्या होनी पड़ेगी, 90 डिग्री। तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री कौन से पॉइंट्स हैं, इसी डायग्राम में बता दूँ, तो ऑल दीज पॉइंट्स ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन आर द पॉइंट्स विच आर हैविंग ज़ीरो पोटेंशियल। तो डाइपोल की वजह से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन पे पोटेंशियल ज़ीरो होता है, दिस ऑल्सो मेक सेंस बिकॉज ऑफ द सिमेट्री, पॉजिटिव है इधर नेगेटिव है, जो पॉजिटिव का इस डिस्टेंस पे इफेक्ट है वो नेगेटिव कैंसिल आउट कर रहा है, इस वजह से पोटेंशियल क्या है, ज़ीरो। समझ आ गई ये बात, तो इस तरह से आपका एक्सप्रेशन बन रहा है। एंड ऑफकोर्स फॉर थीटा अक्यूट, मतलब ऑन दिस साइड पॉजिटिव का इन्फ्लुएंस ज़्यादा है, देखो ये एक बॉर्डर लाइन हो गई, तो इस तरफ पॉजिटिव का एरिया, ठीक है, इस तरफ का जो भी एरिया है उसमें टोटल पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, और इस तरफ का जो भी एरिया है जहाँ पे थीटा आपका ऑब्ट्यूज हो जाएगा बच्चों, तो वो नेगेटिव चार्ज का एरिया है, तो उधर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज की ज़्यादा चलती है, मतलब पोटेंशियल नेगेटिव। तो दीज आर सम वेज इन विच यू कैन जस्ट यू नो क्रिएट अ स्टोरी एंड रिमेंबर, अच्छा इस तरह का एक्सप्रेशन था, कॉस थीटा होता है साइन थीटा नहीं होता है, ये भी बात इस तरह से आपको याद हो जाएगी बच्चों। सो आई थिंक यू गाइज आर फाइन विद ऑल दिस, एंड लेट्स फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द डाइपोल अगेन। नाउ व्हाट इज दिस, व्हाट एम आई डूइंग, फील्ड ऑफ द डाइपोल अभी तो अपन ने निकाला, बट देखो एक और तरीका है जिससे आप निकाल सकते हो, बिकॉज वी नो द रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो तरीके से भी मैं बता देता हूँ जल्दी से। क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि उस फॉर्मूले को हम ज़्यादा यूज़ करेंगे, ठीक है, एक्सिस और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला जो फॉर्मूला था कल अपन ने डिराइव किया बच्चों, उसको मोस्टली आप एनसीईआरटी की बुक में वगैरह देखते हो, बट वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से वो फॉर्मूला ज़्यादा यूज़ नहीं आता है। तो दूसरा एक और फॉर्मूला जल्दी से डिराइव हो जाता है, ध्यान दो, फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन ऑफ वी ओनली दैट यू हैव के पी क्या था भाई, कॉस थीटा डिवाइडेड बाई क्या था, आर स्क्वायर। समझ आ रहे ये सब क्यों है टर्म्स, रट मत लो, सिर्फ कहानी बना लो, उस तरह याद कर लो। अभी देखो पी पॉइंट पे आपको पोटेंशियल तो पता ही है, लेकिन अगर आपको मैं पूछूं व्हाट इज़ द फील्ड
in this direction. So let's call it this direction. This is the radial direction. Okay. So ER is the field ka component. फिर से ध्यान से सुनो, 5 मिनट लगेंगे इसको, है ना, इसको 2 मिनट नहीं लगेंगे, इसको थोड़ा आराम से मैं समझाऊंगा, क्योंकि ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है. डाइपोल में क्या है, यही तो पोटेंशियल और फील्ड के फॉर्मूले हैं. ध्यान से सुनो बच्चों, है ना, ई आर क्या है, रेडियल डायरेक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉम्पोनेंट. रेडियल डायरेक्शन मतलब सेंटर से उस पॉइंट तक का जो रेडियस वैक्टर है उसके अलॉन्ग. ठीक है, तो ई आर आप कैसे निकाल सकते हो, पोटेंशियल से यू कैन राइट ई आर इज एक्चुअली इक्वल टू माइनस डी वी या डेल वी बाय डेल आर. इज दैट राइट? इफ यू आर मूविंग ओनली इन दिस डायरेक्शन, सपोज आई रेस्ट्रिक्ट योर मोशन ओनली इन रेडियल डायरेक्शन, तो आप इस डायरेक्शन में डी आर डिस्टेंस मूव करते हो बच्चों, तो डेल वी बाय डेल आर, माइनस साइन मत भूलना, ये लगा सकते हो. डेल का क्या मतलब है, इस पूरे एक्सप्रेशन में आप आर को ही डिफ्रेंशिएट करोगे और थीटा को कांस्टेंट रखोगे. के और पी तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, थीटा को कांस्टेंट रखते हुए डिफ्रेंशिएट करना है. थीटा इज ऑल्सो वेरिएबल, बट बिकॉज आई हैव पुट इन दिस कंडीशन दैट वी आर मूविंग इन रेडियल डायरेक्शन ओनली, व्हेन आई राइट ई आर आई एम डेलिबरेटली putting this condition that we are moving in radial direction. Is that understood? देखते रहो आराम से, बीच बीच में थोड़ा पानी पीना है या थोड़ा स्नैक खाना है कर सकते हो, बट डोंट वॉच इट लाइक अ मूवी. पॉपकॉर्न वगैरह लेके मत बैठ जाना बच्चों. देखो यहाँ पे पढ़ाई चल रही है, ठीक है ना, लग कुछ भी रहा हो आपको, लेकिन दिस इज़ पढ़ाई. आप अपने पेरेंट्स को भी कैसे कन्विंस करते होंगे, मैं पढ़ रहा हूँ पापा मम्मी, ये पढ़ाई हो रही है, आजकल इसी तरह पढ़ाई होती है, उनको भी वियर्ड लगता होगा थोड़ा. एनीवेज, माइनस डेल वी बाय डेल आर, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, के पी को और कॉस थीटा को कॉन्स्टेंट की तरह ट्रीट करते हुए. तो 1/r² का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है बच्चों, 1/r² का डिफ्रेंशिएशन कौन बताएगा मुझे, और ये माइनस साइन यहीं पर रखता हूँ मैं, तो क्या आ जाएगा, -1/r³, -2 और ये -1 क्या आ जाएगा, तो 2kp लिख दें, cos थीटा बाय आर क्यूब. यहाँ तक सब कुछ क्लियर है, यहाँ पे आपको सब समझ आ गया ये बात. ये फॉर्मूला को थोड़ा सा ध्यान में रखो, और बच्चों ध्यान दो, अगर ये रेडियल डायरेक्शन का कंपोनेंट है तो एक टेंजेंशियल डायरेक्शन का कंपोनेंट भी बनता है, है ना, लेट्स कॉल इट ई थीटा. टेंजेंशियल मतलब इस डायरेक्शन में आप मूव किए, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द रेडियस वेक्टर, इस डायरेक्शन में आप मूव किए, तो बेसिकली आप आर को कांस्टेंट रख रहे हो, देख रहे हो, आर को कांस्टेंट रख रहे हो बट थीटा को चेंज कर रहे हो. तो उस केस में योर थीटा वाला कंपोनेंट, ई थीटा बोल देते हैं इसको, विल बी हाउ मच, सो लेट्स राइट ओवर हियर, ई थीटा इज बेसिकली आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा इस डायरेक्शन में. आपने सपोज एक थीटा एंगल या डी थीटा एंगल का डिस्प्लेसमेंट रखा, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है बच्चे, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, तो दैट इज आर डी थीटा, है ना, दिस गैप इज डी थीटा. तो ये पूरी चीज को तह तक समझो, ऐसे ऊपर ऊपर से मत समझ लो. हाँ ये होता है, आपको बुक में अगर ये सारे ही चीज़ें दिखती हैं बट उसको अंदर तक समझ रहे हैं अपन, तो देख लो बच्चों, यहाँ से यहाँ तक आर डी थीटा मूव किया आप, तो माइनस डी वी बाय आर डी थीटा लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि आर कांस्टेंट है इस मोशन में, आपका आर मैंने कांस्टेंट रखा और थीटा को, और थीटा को ऑफकोर्स मैंने चेंज किया, डी थीटा से चेंज कर दिया. तो इस एक्सप्रेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हो दैट दिस इज -1/r, दिख रहा है, इंटू डेल वी बाय डेल आर, सॉरी डेल वी बाय डेल थीटा, इज दैट राइट? इसको देखते रहो 2 मिनट आराम से देखो. और वी इक्वल टू इस पूरी चीज़ में, वी इक्वल टू इस पूरी चीज़ में अभी आपको थीटा को डिफ्रेंशिएट करना है, यानी आर आपका कॉन्स्टेंट इस मोशन में, थीटा को डिफ्रेंशिएट कर दो बच्चों, तो माइनस के पी एज इट इज आ गया, आर स्क्वायर और ये आर बच्चों क्या बन गया, आर क्यूब, और कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगा, माइनस साइन थीटा. तो ये दोनों ही माइनस और माइनस प्लस हो गए आपके, और ई थीटा आपका के पी साइन थीटा बाय आर क्यूब हो गया. ये बात आपको समझ आ गई? तो देखो मैं क्या बोल रहा था अभी थोड़ी देर पहले कि ई के एक्सप्रेशन में
डिनोमिनेटर में आर क्यूब आएगा। हमने कल एक क्वेश्चन भी किया था कि भाई फील्ड जो है डाइपोल की वजह से वो आर स्क्वायर के नहीं बल्कि आर क्यूब के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इतनी छोटी सी बात पे भी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बन जाते हैं देखो बच्चों। और ये दोनों एक्सप्रेशन अगर आपको क्लियर हैं तो ये फील्ड के दो कंपोनेंट है, इन दोनों को आप ऐड कर सकते हो। इन दोनों ही कंपोनेंट्स को यू कैन ऐड अप एंड राइट द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, कांट यू? सो कैन वी राइट द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन दिस स्लाइड ओनली। यहाँ देखो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, तो मैग्नीट्यूड उसका क्या हो जाएगा बच्चों, तो मैं लिख दूं यहाँ पे अंडर रूट ऑफ कोर्स ई आर स्क्वायर प्लस ई थीटा स्क्वायर, ठीक है ना। इन दोनों का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करके अंडर रूट ले लो, क्या आ जाएगा जल्दी से लिख दे क्या, कि के पी तो आपका और आर क्यूब भी डिनोमिनेटर से बाहर आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ वन क्यों हो जाएगा, फोर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, फोर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा। तो ये देखो बच्चों ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गया किस पॉइंट पे पी पॉइंट पे, और इस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ध्यान दो बच्चों, कुछ ध्यान देने वाली बात है, फॉर्मूले तो आ ही जाएंगे आपको ऑफकोर्स कैसे। यही देखो अगर ये वाला एंगल अल्फा है, दिस इज विच एंगल, द एंगल ऑफ द रिजल्टेंट विद द फर्स्ट वेक्टर। आप जिस तरह से अपना वेक्टर्स में ट्राइंगल लॉ लगाते थे याद है, ट्राइंगल लॉ का फॉर्मूला क्या होता था, उसमें भी एक अल्फा होता था, अल्फा वहाँ पे भी क्या होता था, एंगल ऑफ द रिजल्टेंट विद द फर्स्ट वेक्टर। नाउ फर्स्ट वेक्टर इज नॉट नेसेसरीली हमेशा एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में नहीं होता है, तो इस केस में भी एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में नहीं है। तो ये वाला अल्फा एंगल अगर है आपका, तो टैन अल्फा की वैल्यू भी निकाल लो रिजल्टेंट के, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को डिस्कस कर रहे हैं। टैन अल्फा कितना आ जाएगा, ई थीटा डिवाइडेड बाय ई आर, चमक रहा है, ई थीटा ये वाला गैप है, ई आर ये वाला गैप है, तो ई थीटा और ई आर का रेशियो क्या है, टैन अल्फा। टैन अल्फा अगर ये आ गया तो ई आर और ई थीटा इनका जल्दी से आप ले लो क्या आ जाएगा, थीटा के टर्म्स में लिख सकते हैं इसको, तो ये हाफ टैन थीटा, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्मूला हो गया फॉर डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट एंड फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट यू हैव दीज टू फॉर्मूले। थोड़ा सा इसमें अगर कंबरसम हो गया तो वही मैं कह रहा था, नेक्स्ट स्लाइड पे मैंने इन दोनों को बहुत सुंदरता से प्रेजेंट कर दिया है। यहाँ देखो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल दोनों ही बिकॉज ऑफ दिस डायपोल, ये देखो बहुत सुंदर डायपोल, यहाँ से यहाँ तक का आर डिस्टेंस पे पी पॉइंट पे वी कितना होता है भाई, के पी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर, है ना। और अगर आपको कोई पूछे कि भाई इसकी वजह से पी पॉइंट पे फील्ड कितना होता है, तो हमने अभी जस्ट निकाला कि फील्ड में दो कंपोनेंट है, तो ये ई थीटा और ये ई आर, और इनका नेट का एंगल अगर अल्फा है तो दोनों ही चीज़ नेट का मैग्नीट्यूड के पी बाय आर क्यूब अंडर रूट ऑफ वन प्लस थ्री कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, इनफ क्वेश्चंस करोगे अभी करेंगे अपन उसमें वैसे ही याद हो जाएगा, रटो मत, ठीक है। डिराइव करके एक बार दो बार जब भी मन करता है, कभी भी आप बस में ट्रैवल कर रहे हैं ऐसे कहीं खो गए हैं तो अपनी किताब निकालिए उसमें डेरिवेशन चालू कर दीजिए बच्चों। दिस इज़ आई एंजॉयड दैट एज अ स्टूडेंट, आई डोंट नो अबाउट यू गाइस, बट दिस इसमें खो जाओ बच्चों, है ना। एक ही साल है अपने पास, इसमें अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया ज़िंदगी बन जाएगी, ठीक है। बिकॉज अ कॉलेज इज समथिंग विच डिफाइंस यू एज अ पर्सन, अ कॉलेज दैट यू विल एंटर इन टू will change your personality for your entire life. That's a very big step. Don't be scared of it, but है ना, ऐसा नहीं कि 12th standard है अरे बहुत pressure है, rather try to enjoy your studies. अपनी पढ़ाई को physics, chemistry, math को burden लेके कभी मत चलो, ठीक है। जितना भी आ रहा है, जितना भी आपका appetite है, आज डेढ़ी रोटी खा पा रहे हैं तो उतना ही खाओ बच्चों, ठीक है। आराम आराम से पढ़ो, हमारे लेक्चर्स को अगर बहुत फास्ट लग रहे हैं तो 0.75 पे देख लो, अगर बहुत स्लो लग रहे हैं तो 1.5 पे देख लो, समझ आ रहा है। तो आप इस तरह से पढ़ाई कर लो, आप सबको बेस्ट ऑफ लक है हमारी तरफ से, पूरी टीम की तरफ से। बट ध्यान दो, ई नेट समझ में आ गया, टैन अल्फा का वैल्यू समझ में आ गया, अल्फा ध्यान रखना क्या एंगल है, इस ई आर से, है ना, इस वाली लाइन से अल्फा मतलब रिजल्टेंट का एंगल होता है। तो अल्फा हमेशा आपका एक्स एक्सिस से नहीं होता है बच्चों, कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं एक्स एक्सिस से रिजल्टेंट फील्ड की एंगल क्या है, तो उसमें आपको यू हैव टू टेक इन अकाउंट दिस थीटा एज वेल, व्हाट थीटा, दिस सेम थीटा।
So theta plus alpha is the angle of E net from x axis, remember that. And if you pay more attention, तो एक्चुअल में आपका ये वाला फॉर्मूला पे मैं ज़्यादा एम्फोसाइज क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इस फॉर्मूले से दोनों आपके एक्शियल और इक्विटोरियल वाले फॉर्मूले भी आ जाते हैं. क्या ध्यान दो यहाँ पे, अगर थीटा जीरो डिग्री है मतलब आप कहाँ पे हैं, थीटा को जीरो डिग्री कर दो, आप कहाँ पे हो, एक्सिस पे हो भाई, एक्सिस पे थीटा इक्वल टू जीरो रख दो, यहाँ पे क्या आएगा, जल्दी से करो ना, क्या आएगा, थीटा जीरो रख दो कि ये पूरा टू बन जाएगा, तो टू के पी बाय आर क्यूब, बहुत बढ़िया, तो ये फॉर्मूला बन गया वो वाला. और आप अगर यहाँ पे भी थीटा इक्वल टू जीरो रखोगे तो अल्फा क्या आएगा, जीरो, मतलब आपका जो पी, आपका जो ई नेट है वो एक्सियल पॉइंट पे पी की ही डायरेक्शन में है. ये बातें समझ आ रही है, यो लिखो बच्चों, यो लिखते रहो, आपको समझ आ रहा है तो यो 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 करते रहो, है ना. एंड जहाँ पे फील आ जाए आपको लेक्चर के दौरान तो लाइक शेयर सब कर दो उसी वक्त, ठीक है, और यो तो लिखना ही है. और देखो बच्चों, और थीटा इक्वल टू 90 डिग्री कर दिया आपने तो आप कहाँ पे हो, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री मतलब अभी जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे थे अपन, वो वाला केस हो गया. एंड पॉइंट ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे ई कितना हो जाएगा, तो थीटा को 90 रख दो, यहाँ पे के पी बाय आर क्यूब आ जाएगा. और यहाँ भी रखो ना बच्चों, इस पे भी थीटा इक्वल टू 90 रखो, क्या आता है, टैन 90 क्या होता है, टैन 90 डिग्री इन्फिनिटी, तो अल्फा की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, है ना, 90 डिग्री आ जाएगी, समझ रहे हो. तो 90 डिग्री का मतलब क्या है, 90 डिग्री क्या मतलब, ये बहुत सही है यार, मतलब आई नेवर टेक दिस मच टाइम इन डाइपोल, बट बिकॉज वी हैव यू नो ड्रॉ नहीं करना पड़ रहा है तो मेरे पास बहुत टाइम है. यहाँ देखो, अगर आपके पास ये पॉइंट है पी, है ना, तो ऑफकोर्स यहाँ पे 90 डिग्री एंगल पे हो आप, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, और थीटा इक्वल टू 90 डिग्री एंगल पे हो आप, देन अल्फा इज ऑल्सो 90 डिग्री. अल्फा 90 डिग्री है मतलब क्या हुआ कि आपका ई आर रेडियल डायरेक्शन से, तो यहाँ पे ये रेडियल डायरेक्शन हुई, उससे आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 90 डिग्री पे है, तो ये 90 डिग्री, ये अल्फा हुआ, मतलब आप एक्स एक्सिस से 90 प्लस 90 180 डिग्री पे हो. तो ये चीज़ें बहुत मायने रखती हैं, इतनी डेप्थ में क्यों जा रहे हैं. अगर आपको लग रहा है बच्चे ये तो आपको, वी आर जस्ट गेटिंग स्टार्टेड, आपको जो डाइपोल पे क्वेश्चंस आते हैं मेंस में, एडवांस में, नीट में, वो सब हम देखेंगे अभी थोड़ी देर में. तो आई होप दिस एंटायर थिंग इज़ क्लियर कि भाई थीटा प्लस अल्फा लेना पड़ता है एक्स एक्सिस से. और ये अगर आपको समझ में आ गया तो क्वेश्चन टाइम, जल्दी से बताओ क्या इस फिगर में फील्ड लाइन्स हैं, तो क्या पूछ लिया मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी क्या डायरेक्शन में होगा, इतना सिंपल है, जल्दी से आंसर करो. हाँ जी, जल्दी से आंसर कर दीजिए, यो यो हो गए सारे, वेरी गुड, जल्दी से. बहुत आसान है ये तो, दिस इज़ वेरी सिंपल, सिर्फ डायरेक्शन ऑफ फील्ड बतानी है आपको. तो आप वो मैथमेटिकली फॉर्मूले से भी देख सकते हो या इंट्यूटिवली भी देख सकते हो, क्योंकि आपको सब अभी इंट्यूशन से समझ में आने लग गया है. पी पॉइंट पे ये वजह, ये जो पी पॉइंट है आपका, उस पर फील्ड की डायरेक्शन क्या है बच्चों, ये है ऐसे है, कैसे होगी, तो ये हमेशा ध्यान रख लेना, नेगेटिव पॉजिटिव कौन सा है, है ना, वो स्विच भी कर सकते हैं, हमेशा ज़रूरी नहीं ओरिएंटेशन पी ऐसे ही हो. हालांकि इस क्वेश्चन में ऑफकोर्स पी इस तरह से है, तो जब आप किसी थीटा अक्यूट पे हैं, ठीक है, तो फील्ड की डायरेक्शन आपकी क्या आएगी, रेडियल, तो यहाँ पे देखो रेडियल और टेंजेंशियल दोनों का जो कंट्रीब्यूशन आएगा वो डेफिनेटली ऐसे कुछ आएगा. फील्ड लाइंस भी आप ड्रॉ कर सकते हैं, तो डेफिनेटली ऐसे कुछ आएगा, और कोई डायरेक्शन तो हो नहीं सकती, ये हो सकती क्या, या ये हो सकती, ये हो सकती, तो कौन सा आपका आंसर आ गया है, काफ़ी बच्चों ने लिख दिया है बी, बी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है, सी क्यों होगा भाई, बी लिख रहे हैं ना, ठीक है, तो ये भी कर लो. अच्छा ये क्वेश्चन देखो, अरे ये सिचुएशन देखो, ओके जल्दी से अपन ये कवर कर लेते हैं, फिर बहुत सारे क्वेश्चन है. टॉर्क ऑन डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक और स्टैंडर्ड आपका एक्सप्रेशन जो होता है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को रख दिया, आपने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को रखा है अपना डाइपोल दोस्त, पी वेक्टर इस तरह से है. अब इस डाइपोल पे फील्ड की वजह से क्या इफेक्ट्स होंगे, है ना, ये जो यूनिफॉर्म फील्ड है उसका डाइपोल पे क्या इफेक्ट होगा बच्चों, समझ सकते हो. तो इमेजिन करो कि ये पॉजिटिव चार्ज है ब्लू वाला, और इस पे जो डाइपोल, इस पे जो फील्ड का फोर्स आएगा वो क्या इस डायरेक्शन में आएगा, तो पॉजिटिव चार्ज पे ऑफ कोर्स इस डायरेक्शन में आएगा, फोर्स कितना आएगा, क्यू टाइम्स ई आ जाएगा, समझ आ रहा है.
और ध्यान से देखो, नेगेटिव चार्ज पे फोर्स की डायरेक्शन क्या आएगी, फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स होती है, ये अपन ने समझा है। फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज पे फोर्स होती है, किस डायरेक्शन में होगी, इधर होगी। क्या मैग्नीट्यूड होगा उसका, तो मैग्नीट्यूड उसका माइनस क्यू ई मत लिख देना बच्चों, मैग्नीट्यूड विल बी क्यू ई ओनली, है ना। मैग्नीट्यूड माइनस क्यू ई मत लिख देना, क्योंकि आप डायरेक्शन भी बता रहे हो, मैग्नीट्यूड भी उल्टा कर दिया तो दोनों चीज़ें कॉन्फ्लिक्टिंग होती, ऐसे नहीं कर सकते आप। और मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर इन दोनों ही चीज़ को मैं एफ बोल देता हूँ फॉर टाइम बीइंग, देन दोनों चार्जेस पे तो इक्वल फोर्स लग रहा है और ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये सिचुएशन हो गई जहाँ पे सिस्टम पे नेट फोर्स ज़ीरो है, नेट एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम पे ज़ीरो है, मतलब सेंटर ऑफ मास मूव नहीं करेगा, है ना। आपके जो सिस्टम है इसमें चार्जेस मूव कर सकते हैं, बट ये जो सेंटर है इन दोनों का ये मूव नहीं करेगा। तो ये सिचुएशन है जहाँ पे सिस्टम पे नेट फोर्स ज़ीरो है, बट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट जस्ट द फोर्स, वी आर टॉकिंग अबाउट टॉर्क ऑन द डायपोल एज वेल। सो इन दिस सिचुएशन टेल मी स्टूडेंट्स, इज देयर अ टॉर्क ऑन द डायपोल राइट नाउ? ध्यान दो बच्चों, मैं पूछ रहा हूँ डायपोल पे अगर टॉर्क है तो उसकी डायरेक्शन क्या है, मुझे इतना बताओ। मैग्नीट्यूड पे मैं बाद में आऊँगा, टॉर्क भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसका डायरेक्शन क्या होगा ये बताओ। पहले तो डायरेक्शन ही बताओ, वेक्टर जो भी आपके आते हैं उनके डायरेक्शंस ही अपन पहले डिस्कस करेंगे। तो क्या डायरेक्शन में टॉर्क आएगी, इनसाइड द प्लेन आउटसाइड द प्लेन, यही दो ऑप्शन होते हैं, इनसाइड द प्लेन ऑफ द बोर्ड और आउटसाइड द प्लेन। व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ द टॉर्क, टाउ वेक्टर की डायरेक्शन क्या है बच्चों? तो ये बहुत सिंपल होता है टॉर्क की डायरेक्शन निकालना भी, इलेवेंथ में आपने अगर सीखा है, नहीं पता है तो देख लो, उसकी भी एक ट्रिक होती है, जल्दी से बता देता हूँ। इस सिचुएशन में द टॉर्क इज ट्राइंग टू रोटेट द सिस्टम इन व्हाट डायरेक्शन, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ध्यान दो। इस फोर्स की वजह से और इस फोर्स की वजह से ये डायपोल किस डायरेक्शन में रोटेट करेगा, है ना, इतना सा बता दो। ये तो बहुत इंट्यूटिव होता है कि भाई इधर इधर फोर्स लगा रहे हो तो आप ये ऐसे घूमेगा, ऐसे मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर आप अपने राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करोगे, मेक श्योर यू यूजिंग द राइट हैंड ओनली, है ना। काफ़ी बच्चे लेफ्टी होते हैं तो वो राइट हैंड थंब रूल में लेफ्ट हैंड ही यूज़ कर लेते हैं, उल्टे आते सब आंसर उनके, ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैग्नेटिज्म में अपन जब आएंगे ईएमआई वगैरह चैप्टर्स में, दिस इज़ वेरी क्रूशियल, राइट हैंड थंब रूल अच्छे से आना चाहिए। सो ऑफकोर्स बिकॉज दिस इज़ क्लॉक वाइज, राइट हैंड के फिंगर्स को क्लॉक वाइज टर्न किया, क्या आया आपका, इनसाइड द प्लेन। सो द टॉर्क राइट नाउ ऑन दिस डायपोल इज़ इनसाइड द प्लेन, बट वॉट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क। तो याद है टॉर्क की मैग्नीट्यूड अपन कैसे निकालते थे, फोर्स वाली जो लाइन है उसका ये सेंटर पॉइंट से ओ के अबाउट निकाल रहे हैं ना, सपोज अपन क्या डिस्टेंस है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना है। तो देखो बच्चों, ये वाला डिस्टेंस ए है, क्योंकि अपन 2a ले रहे थे शुरू से, तो ये वाला डिस्टेंस ए है आपका, और ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा, बिकॉज दिस एंगल इज थीटा अगेन, दिस डिस्टेंस इज अगेन ए साइन थीटा, है ना। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ क्या कि टॉर्क का मैग्नीट्यूड कितना है, है ना, इस वाले फोर्स की वजह से टॉर्क अबाउट ओ, टॉर्क अबाउट ओ द सेंटर ऑफ द डायपोल के अबाउट अपन ले रहे हैं, तो टॉर्क कितना आ जाएगा, कितना आ रहा है, तो फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। रिमेंबर टॉर्क कैसे निकालते थे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए साइन थीटा, यहाँ तक सब बढ़िया है, क्यू इंटू ई इंटू ए साइन थीटा, ये टॉर्क का मैग्नीट्यूड हुआ और डायरेक्शन अपने को पता ही है। तो इस पूरी चीज़ को मैं और किस तरह से लिख सकता हूँ, और ये तो एक ही फोर्स का टॉर्क है, नेगेटिव पे भी इतना ही फोर्स लग रहा है, तो बाई सिमेट्री जो आपका टोटल टॉर्क हो जाएगा, क्या वो इसका डबल हो जाएगा बच्चों, क्योंकि नेगेटिव पे भी इतना ही फोर्स इसी सेंस में उसको घुमाने की कोशिश कर रहा है क्लॉकवाइज, तो दोनों का कॉन्ट्रीब्यूशन ऐड करके 2 लिख दूँ क्या डायरेक्ट यहाँ पे। तो इस पूरी चीज़ को मैं क्या बोल रहा हूँ बच्चों, कैसे और लिखा जा सकता है, ई अलग ले लो एंड 2 टाइम्स क्यू ए क्या हो जाएगा आपको पता ही है, एंड साइन थीटा, ओके। तो ये अगर टॉर्क का एक्सप्रेशन बन रहा है तो दो वेक्टर्स हैं और साइन थीटा है, राइट साइड में आपके ई एक वेक्टर है और पी बन रहा है ना, ये वो भी वेक्टर है और साइन थीटा आ रहा है, तो दो वेक्टर्स और साइन थीटा को अपन क्रॉस प्रोडक्ट की टर्म्स में लिख रहे हैं, लिख सकते हैं, बट मुझे ये बताओ शुड इट बी पी क्रॉस ई और शुड इट बी ई क्रॉस पी,
अगर आपको आंसर रटा हुआ है, आपने एनसीईआरटी स्कूल में पढ़ ली है, वेरी गुड। बट देखो इस तरह से आप अप्रोच करते हो असल में, है ना, आपकी टॉर्क की डायरेक्शन इस केस में क्लॉकवाइज आनी चाहिए। तो क्लॉकवाइज कैसे आएगी, विल आई डू पी कैसा था, ये डायरेक्शन बता रखी डायग्राम में, तो पी क्रॉस ई करने पे आ जाएगी क्या, या ई क्रॉस पी करेंगे, तो राइट हैंड थंब रूल वहाँ भी लगाएंगे हम। हमेशा याद रखो पी इन दिस केस इज लाइक दिस, ई इज लाइक दिस, सो योर पी क्रॉस ई, पी से ई में आप फिंगर्स को कर्ल करके इनसाइड द प्लेन आ रहा है, पी क्रॉस ई क्लॉकवाइज इज इनसाइड द प्लेन, तो टॉर्क की डायरेक्शन इनसाइड आएगी इफ़ यू डू पी क्रॉस ई। तो टॉर्क का ये बहुत प्यारा सा एक्सप्रेशन, सिंपल सा, टॉर्क ऑन अ डाइपोल पी इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज गिवन बाय पी क्रॉस ई, ये सिंपल सा आपका एक्सप्रेशन समझ आ रहा है सबको, ठीक है। तो टॉर्क कभी किसी क्वेश्चन में पूछ लिया है, पी क्रॉस ई डायरेक्शन भी देगा आपको, पी साइन थीटा कर दोगे मैग्नीट्यूड भी देगा, तो ये बात को थोड़ा और डिटेल में समझ लो ना, थीटा इक्वल टू जीरो डिग्री पे, यानी व्हेन योर पी इज अलाइंड विथ ई, तो पी और ई अगर सेम डायरेक्शन में है तो दोनों पे फोर्स कैसे लग रहे हैं, इस तरह लग रहे हैं, और उस केस में आपका टॉर्क कितना होगा, ऑफकोर्स जीरो, ठीक है। तो आप इस तरह से समझ सकते हैं कि मिनिमम टॉर्क जीरो हो रहा है, और मैक्सिमम भी किस सिचुएशन में हो सकता है, आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं, आप सब निकाल सकते हैं, जस्ट मैंशनिंग दिस फॉर द सेक ऑफ इट। तो ये फॉर्मूला आपका आया, और जल्दी से देख लो इस क्वेश्चन का आंसर। चलो अगेन क्वेश्चन टाइम, पी क्रॉस ई, वेरी गुड। हाँ यार, सब बच्चों को आता है ऑलरेडी। तो मेरे पास बहुत सारे बच्चे हैं जो ट्वेल्थ में अपीयर हो चुके हैं, और उनका एडवांस एग्ज़ाम आ रहा है, आप प्लस प्लेटफॉर्म पे वो क्रैश कोर्स ज़रूर चेकआउट करिए। जो भी आपकी अनअकैडमी लाइव टीम है, उनके जो एजुकेटर्स हैं, और भी बहुत सारे टॉप एजुकेटर्स हैं बच्चों, तो ये क्वेश्चंस इस तरह के हम वहाँ करते हैं, बहुत मस्ती करते हैं, बहुत पढ़ाई भी करते हैं, आपको एकदम जेई के लिए एडवांस के लिए जो चीज़ें चाहिए वो आप देख सकते हो। एंड स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, न्यूमेरिकल हो गया, चलो काफ़ी बच्चे बोलते रहते, सेंटी हो जाते हैं बच्चे, न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल नहीं दे रहे हैं, तो चलो न्यूमेरिकल। नीट वाले बच्चे होते हैं क्या वो, बिकॉज नीट हैज़ मैनी क्वेश्चंस विच आर न्यूमेरिकल। एनीवेज, लेट्स नॉट गेट कैरिड अवे, इफ़ यू हैव दिस चार्ज आर यू एबल टू सी, 1 माइक्रोकुलम है ये, और 2 सेंटीमीटर से सेपरेटेड हैं, तो आपको मैक्सिमम टॉर्क ऑन द डाइपोल कितना हो सकता है, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पे ही होता है, तो मैक्सिमम टॉर्क इज इक्वल टू पी ई साइन 90 डिग्री, समझ आ रहा है, इक्वल टू पी क्या है भाई इस केस में, क्यू इंटू जो भी डी डिस्टेंस है, कभी क्यू इंटू 2a लिख देते हैं सर, कभी क्यू इंटू डी, तो ये सब आते आपको समझ में आनी चाहिए, सब अपन डिस्कस कर चुके। इफ़ यू आर न्यू टू द सेशन, यू कैन ऑलवेज विजिट ऑल द लेक्चर्स, बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1 से सारे लेक्चर्स देख लो ना एक साथ, अगर आपको सब समझ में आ रहा है, ऐसे नहीं जस्ट फॉर द सेक लगा दिया, समझते समझते देखना, और ऑफकोर्स 1 माइक्रो इंटू हमेशा स्टैंडर्ड यूनिट्स में रखो बच्चों, वैल्यूज़ के साथ क्या कर देते बच्चे यहाँ पे, सिर्फ 2 रख देते हैं, अरे छठी क्लास में थोड़ी हो यार, थोड़ा सा एसआई यूनिट्स में काम करो ना यार। यहाँ देखो ई की वैल्यू क्या है, अच्छा ई भी दिया है क्या, 10 to power 5, 10 into 10 to power 5 मतलब 10 to power 6, तो ये कितना आ जाएगा, सब SI यूनिट्स में वैल्यू रखनी होती है, और आपकी जो भी चीज़ें कैंसिल हो रही है, तो 2 into 10 to power -2 आंसर आ गया क्या, सी, ओके वेरी गुड, ओके सो डन विद दिस वन। कम टू दिस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल, आपने टॉक डिस्कस किया, पोटेंशियल एनर्जी भी होती है डाइपोल के साथ एसोसिएटेड, ध्यान देना बच्चों, थोड़ा सा ध्यान दे दो, आपको ये एक्सप्रेशन थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा। ये आपका डाइपोल है एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है, अब अगर इसको मैंने थोड़ा सा टिल्ट कर दिया, सपोज़ इफ़ आई टिल्ट दिस डाइपोल स्लाइटली अबाउट द सेंटर, आई टिल्ट दिस बाय डी थीटा एंगल, ओके डी थीटा एंगल से मैंने इसको टिल्ट किया है, देन वॉट इज़ द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो इस पे टॉर्क लगा रहा है वो किस डायरेक्शन में है, इनसाइड द प्लेन, बट योर डी थीटा इज आउटसाइड। बच्चों ये बात ध्यान रखो, डी थीटा इस तरह से है, डिस्प्लेसमेंट इस तरह से डी थीटा है, और टॉर्क अंदर की डायरेक्शन में है, तो वर्क डन जो होगा वो छोटे से डी थीटा में नेगेटिव होगा, कितना होगा, -tau
डी थीटा है ना, वर्क अपन टॉर्क वाले फॉर्मूले से निकाल रहे हैं, तो माइनस टाउ डी थीटा को मैं कैसे लिख सकता हूँ, माइनस पी ई साइन थीटा डी थीटा। यहाँ तक बात क्लियर है? ये क्या हुआ, छोटे डिस्प्लेसमेंट डी थीटा के लिए वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। देन व्हाट विल बी द पोटेंशियल एनर्जी का चेंज, दैट विल बी नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स विच इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन दिस केस। तो पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए आप इस तरह से नेगेटिव ऑफ द वर्क डन, मतलब नेगेटिव नेगेटिव कितना हो जाएगा बच्चे, पॉजिटिव पी ई कॉस थीटा या पी ई साइन थीटा डी थीटा जो भी है, तो ये डी यू आपका हो गया प्लस, ध्यान दो, पी ई साइन थीटा डी थीटा। अभी आप एक पर्टिकुलर थीटा से दूसरे बड़ी थीटा वैल्यू पे जा रहे हैं, इंटीग्रेट कर दो बेसिकली। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी यू इक्वल टू पी और ई तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा, यू सपोज गोइंग फ्रॉम अ पॉइंट थीटा इनिशियल टू थीटा फाइनल, समझ आ रहा है? सपोज यू इनिशियल से यू फाइनल पे आप आ गए, ठीक है, तो यू इनिशियल से यू फाइनल में लेफ्ट साइड में क्या आ जाएगा, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इक्वल टू पी ई, और साइन थीटा का इंटीग्रेशन बच्चे कॉस थीटा लिख देते हैं, ध्यान रखो माइनस कॉस थीटा होता है, माइनस बाहर ले लूँ क्या, या माइनस कॉस थीटा मैं एक बार ऐसे लिखता हूँ, और आप लिमिट्स लगा देना थीटा इनिशियल थीटा फाइनल। यहाँ तक सब क्लियर है? इसको आगे और कैसे लिखोगे, यहाँ ऊपर लिख दूँ, तो यहाँ पे अपन आ रहे थे u फाइनल माइनस u इनिशियल इक्वल टू पी ई, माइनस साइन यहाँ मैंने ले लिया, कॉस ऑफ थीटा क्या था यहाँ पे, फाइनल माइनस कॉस ऑफ थीटा इनिशियल। तो ये हमेशा पोटेंशियल एनर्जी आपको चेंज इन पोटेंशियल देता है, पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन हमेशा आपको चेंज इन पोटेंशियल देता है, ध्यान रखना आपको रेफरेंस सेट करना पड़ता है हमेशा। सो थीटा इक्वल टू किस पे अपन रेफरेंस सेट करें, इनिशियल को क्या रखें कि आपका यू आई ज़ीरो हो जाएगा, दिस इज हाउ द क्वेश्चन इज। तो यू इनिशियल ज़ीरो रख रहे हैं अपन, सपोज थीटा इक्वल टू, क्योंकि कॉस फंक्शन है ना तो 90 डिग्री पे रख देते हैं, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, कैसी ओरिएंटेशन है बच्चे, इस तरह से जब पोटेंशियल होगा, इस तरह से सॉरी जब पी वेक्टर होगा तो आपकी थीटा 90 यानी पोटेंशियल का रेफरेंस। तो ये रेफरेंस ऑफ पोटेंशियल है, डायग्राम में देख लो, और ये वैल्यूज रखते से ही आपका यू इक्वल टू ये माइनस पी ई कॉस थीटा एक एक्सप्रेशन आ जाता है, जिसका ऑफकोर्स यू कैन राइट इट एज माइनस पी डॉट ई एज वेल। रिमेंबर द एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल, ये अपन ने डिराइव करके निकाला, इसका रेफरेंस क्या होता है, थीटा इक्वल टू 90 पे, इसमें भी अगर आप पी ई कॉस थीटा में 90 रख दोगे तो जीरो आ जाएगा, तो उस तरह से समझो, और इसकी भी नेगेटिव वैल्यू होगी, माइनस पी ई मैक्सिमम मिनिमम नेगेटिव वैल्यू होगी एंड प्लस पी ई मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो ये भी ध्यान रखना कि यू इज वेरिंग बिटवीन माइनस पी ई मिनिमम वैल्यू प्लस पी ई मैक्सिमम वैल्यू, माइनस कब आएगा, थीटा इक्वल टू बोलो, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पे नेगेटिव एंड थीटा इक्वल टू 180 डिग्री पे, समझ आ रहा है आपको, तो पॉजिटिव है। तो ये सारे कंसेप्ट्स आपको पोटेंशियल एनर्जी के भी समझ में आ गए। तो होमवर्क के लिए बच्चों क्वेश्चंस दिए हैं मैंने बहुत सारे, एक क्वेश्चन में ज़रूर डिस्कस करूँगा, तो मैं कौन सा क्वेश्चन डिस्कस करूँ, द फील्ड इंटेंसिटी इज पैरेलल, देर आर सो मेनी क्वेश्चंस एंड लेट मी डिस्कस ओनली फर्स्ट वन ओनली, इसको जल्दी से आंसर कर दो बच्चों, ठीक है, आपको समझ में आ गया, वेरी गुड। ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पैरेलल टू द डायपोल एक्सिस होगा किन पॉइंट्स पे, तो ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, पी पॉइंट पे और क्यू पॉइंट पे, क्या दोनों पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पैरेलल टू द डायपोल होगा, इस तरह का क्वेश्चन है, तो आंसर करिए, है ना, होमवर्क सब है बच्चों, ओके। और तो ये अपना जो सेशन है आज का डाइपोल के साथ, वी हैव एंडेड विद द फर्स्ट फेज ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टूडेंट्स, ओके। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक पार्ट अपन ने कवर कर लिया है, दूसरा पार्ट जो गॉसेस लॉ है वहाँ से मैं कल स्टार्ट करूँगा, तो संडे को 7 PM डोंट फॉरगेट टू कम टू द चैनल, अनअकैडमी जेई चैनल का नाम है, आपको पता ही है, जो लिंक है ऊपर आप देख रहे हो उसको शेयर कर दो, उसको फैला दो अपने दोस्तों में, अपने जो भी कॉमन क्वेश्चन है वो आप डिस्कस कर पाओगे उसकी वजह से, एंड
आपको जो भी क्विजेज वगैरह हैं वो भी आप अटेंड कर रहे हो कि नहीं, कितना मज़ा आ रहा है, क्या आपने पारस सर के लेक्चर्स, द गॉड ऑफ केमिस्ट्री पारस सर के लेक्चर्स तो मिस नहीं कर दिए बच्चों। केमिस्ट्री बहुत क्रूशियल एक सब्जेक्ट होता है जिसमें बहुत स्कोरिंग आप स्कोर कर सकते हो जेई में, सो डोंट मिस आउट ऑन दैट। दैट विल बी स्टार्टिंग एट 8 इन सम टाइम ओनली, ओके। तो एक क्विक ब्रेक लेके आ जाना, पर इसका आंसर करके जाओ, नोट्स आपको पीडीएफ में थोड़ी देर बाद डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। क्या आंसर आ गया? ए फॉर श्योर बोल रहे हैं काफ़ी बच्चे। पी ओनली क्यू ओनली, बच्चों आंसर इज सी। दोनों ही पे आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है पैरेलल टू डाइपोल एक्सिस बोला है मैंने, पैरेलल टू डाइपोल मोमेंट नहीं बोला है। तो ऑफकोर्स आपको पता है कि फील्ड की डायरेक्शन पी पॉइंट पे ऐसे होगी, क्योंकि प्लस और माइनस, ये पी इस तरह है, वेक्टर डाइपोल मोमेंट ऐसे, और क्यू पे फील्ड ऐसे होगी, बट आपको डाइपोल एक्सिस से पैरेलल तो दोनों ही हैं। तो थोड़ा सा क्वेश्चन को पढ़ते वक्त हमेशा ध्यान रखिए, यहाँ पर मैं डाइपोल मोमेंट लिख देता तो पूरा आंसर ही चेंज हो जाता है। उस केस में ऑफकोर्स योर आंसर वुड हैव बीन ए। सो वेरी गुड स्टूडेंट्स, गुड रिस्पॉन्स टूडे, कीप विजिटिंग आर चैनल एंड क्विजेज एंड एवरीथिंग, एंड व्यूअरशिप बढ़ा दो। टेलीग्राम ग्रुप पर भी आ जाओ, आपको ये सारे क्वेश्चन मैं होमवर्क में दे देता हूँ, आज नोट्स में मिल जाएंगे। एंड मैं क्या बोल रहा हूँ कि काफ़ी क्वेश्चन हैं, प्रैक्टिस के लिए होने चाहिए ना यार। तो ये डाइपोल आपका खत्म हो रहा है, ये चैप्टर खत्म हो रहा है, इसलिए सो मेनी क्वेश्चन। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियोस। जेई अकेडमी नाम है, डाउनलोड कर लेना, एंड नोटिफिकेशन मत भूलना, इसको नहीं दबाओगे तो आपको क्लास के लिए रिमाइंडर कैसे मिलेगा? पहले बच्चे आ जाते 6:30 के अराउंड, बिकॉज दे गेट अ रिमाइंडर, है ना, कि आपका क्लास चालू होने वाला है। तो वो अच्छा रहता है एक फीचर, आपको इस तरह के फीचर्स यूज़ करने चाहिए। इफ़ यू डोंट प्रेस ऑन इट, आपको नोटिफिकेशन नहीं आता है। कई बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है कि क्यों नहीं आ रहा है, तो फिर से इसको दबा के वापस से दबा दो, ठीक है। तो इस तरह से, और टेलीग्राम ग्रुप पे काफ़ी स्टूडेंट्स आ गए हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं डेली बेसिस पे, डाउट्स भी उनके डिस्कस हो रहे हैं। यू कम टू द टेलीग्राम ग्रुप एज वेल, एंड स्टूडेंट्स विल जस्ट रैप अप द सेशन। कल गॉसेस लॉ के लिए 7 बजे ज़रूर आना, स्टे ट्यून्ड फॉर द केमिस्ट्री लेक्चर। बाय स्टूडेंट्स एंड गुड इवनिंग।